वेर द अनस्टॉपेबल और आज हम यहाँ पर देखेंगे एशियन गेम्स के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में एशियन गेम्स समाप्त होकर चुके हैं और ये जो एशियन गेम्स का संस्करण था 18वां था और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इसको यहाँ पर आप लोग मिलकर ध्यान से देखिए और इसमें जानिए कि क्या क्या हुआ, भारत ने कितने मेडल जीते, भारत की क्या रैंकिंग रही, कौन सा देश टॉप पर रहा, कौन सा देश लास्ट रहा, इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दिया जाएगा जहां से कि आप इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 18th एशियन गेम्स। तो देखिए इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी, 18 अगस्त को हुई थी, कहाँ पर, जीबी के मेन स्टेडियम में, जकार्ता में। इस बार देखिए दोस्तों यहाँ लोगों में ही आपको दिख रहा है लिखा है जकार्ता पलेमबांग 2018। तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया, और पलेमबांग जो है ये साउथ सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया की प्रोविंस है, उसमें उसकी ये कैपिटल है पलेमबांग। तो इन दो जगहों पे मेन ये एशियन गेम्स इस बार हुए थे। तो आपको याद रखना है कि होस्ट कंट्री कौन सी थी, इंडोनेशिया थी। अब ओपनिंग सेरेमनी जीबी के मेन स्टेडियम में हुई थी 18 अगस्त को और क्लोजिंग सेरेमनी भी वहीं हुई थी। इस जीबीके की फुल फॉर्म भी यहाँ पर देख लीजिए, गैलोरा बंग कार्नो मेन स्टेडियम है जकार्ता में, 2 सितंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। फिर इसके बारे में देखते हैं तो ये टोटल कितने 16 दिन ये गेम्स चले 18 अगस्त से 2 सितंबर तक। देखिए मजे की बात यहाँ पर कि 18th एडिशन था, 18th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हुए है ना, और 2018 ही चल रहा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ये तीनों चीजों से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसका मोटो देखिए क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। कई बार मोटो पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद रखना है, मोटो इज एनर्जी ऑफ एशिया। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 45 देशों ने। कितने इवेंट्स थे, 465 इवेंट हुए 40 खेल में, 40 स्पोर्ट्स हुए जिसमें 465 इवेंट्स थे। टोटल कंट्रीज कितनी जीती, 37। देखिए यहाँ पे जीतने से मतलब है कि 45 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन 8 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता। और 37वीं रैंक किसने पाई है, सीरिया ने पाई है, जिसने कि एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा मास्कट क्या थे, भिनभिन, अतंग और काका, इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जो ऑफिशियली ओपनिंग करी वो किसने करी थी, वो जोको विडोडो हैं जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसकी ओपनिंग सेरेमनी करी। और क्लोजिंग सेरेमनी करी अहमद अल फहाद अल सबाह ने, जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी जोको विडोडो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा, और क्लोजिंग सेरेमनी थी अहमद अल फहाद अल सबाह के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। इसी के साथ देखिए दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा हुआ 12 साल में कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक साथ क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी एक ही साथ फ्लैग मार्च किया, कोरियन यूनिफिकेशन फ्लैग के नाम से। मतलब जो फ्लैग लेके चले वो कोरिया के नाम से था, ना कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से। और इस बार कुछ इवेंट्स ऐसे थे जिसमें इन दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया अंडर कोरिया, और बाकी इंडिविजुअल तो किया ही था, साउथ कोरिया ने अपना अलग किया, नॉर्थ कोरिया ने अलग किया, लेकिन मिलकर भी कुछ इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सबसे पहला जो इन्होंने मेडल जीता वो गोल्ड मेडल जीता, दोनों ने मिलकर जिसमें पार्टिसिपेट किया तो सबसे पहला जो इन्होंने मेडल जीता वो गोल्ड मेडल था। इसके बाद देखिए जो जैपनीज स्विमर हैं रिकाको इकी, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, इन्होंने काफी सारे मेडल इस बार जीते थे, शायद 6 मेडल इन्होंने इसमें 2018 में जीते। तो रिकाको इकी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द गेम। वहीं देखिए अभी मैंने कहा था आपसे मास्कट की, तो देखिए भिनभिन क्या है, एक बर्ड ऑफ पैराडाइज है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेटजी। तो हो सकता है, वैसे तो देखिए पूछा जाना मुश्किल ही है, लेकिन अगर पूछ भी लेंगे तो अब आपको यहाँ पता चल गया कि भिनभिन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करती है, इट इज अ बर्ड ऑफ पैराडाइज। फिर अटंग की बात करें तो क्या है, ये बेवियन डियर है, एक हिरन है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और
तीसरा है काका, ये क्या है, सिंगल हॉर्न्ड राइनोसरस, मतलब एक सिंग वाला गेंडा है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ। तो देखिए किसी भी प्लेयर के लिए ये तीन चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए उसकी, उसके साथ स्पीड होनी चाहिए और स्ट्रेंथ। अगर ये तीनों चीजें उसमें है, तीनों चीजों का समावेश है, तो फिर उस प्लेयर को कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये तीनों यहाँ पर दिखाए गए थे, क्या डिनोट कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। आइए अब आगे देखते हैं मेडल टैली। तो बात करें चाइना की, तो चाइना हर बार की तरह इस बार भी टॉप पर रहा, 289 मेडल्स चाइना ने जीते, जिसमें से आपको चाइना के ये इंडिविजुअल मेडल भी अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि चाइना ने जो यहाँ पर मेडल जीते तो कौन कौन से थे, कि गोल्ड मेडल उसने जीते 132, वहीं अगर बात करें इसकी सिल्वर मेडल तो ये थे 92, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो कितने थे 65, और टोटल मेडल चाइना के कितने हो गए 289 हो गए। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको चाइना के बारे में कि चाइना जो है अब तक लगातार 10 बार से जीत रहा है, यहाँ पर लगातार 10 बार से चाइना जीत रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जापान रहा 205 मेडल के साथ, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के 177 रहे, और इंडोनेशिया चौथे नंबर पे रहा। तो ये इन चारों के आपको टोटल मेडल्स याद रखने हैं, और चाइना के आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में भी गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखिए इंडिया की रैंक कितनी रही, 8th रैंक रही इंडिया की, और इन्होंने 15 गोल्ड हमने जीते, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 69 मेडल जीते, जिसमें इंडिविजुअल मेडल्स थे, मेंस कैटेगरी में अलग थे, वुमेन्स कैटेगरी में अलग थे, टीम्स में अलग थे, और मिक्स डबल्स या मिक्स टीम्स में अलग मेडल्स थे। तो ये आपको याद रखना है, गोल्ड 15, सिल्वर 24, ब्रॉन्ज 30, और इंडिया की रैंक रही 8वीं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो 2014 में जब ये इंचियोन में हुए थे गेम्स, एशियन गेम्स 17वां संस्करण जो हुआ था, उसमें भी ये सेम चीज थी कि चाइना टॉप पर था और इंडिया 8वें नंबर पर था, और उस समय इंडिया ने 57 मेडल जीते थे। तो ये चीज आप याद रखना कि इंडिया ने 2014 में 57 मेडल जीते थे, और इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मीडिया के द्वारा सबके द्वारा यही कहा जा रहा है कि इस बार का अभी तक का एशियन गेम्स में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था, जिसमें कि 69 मेडल्स हमने जीते हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे टोटल, वो 570 थे, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कितने थे, 570। तो ये चीज आपको इंडिया के लिए याद रखनी है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रैंक रही, कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर या ब्रॉन्ज जीते, और टोटल कितने जीते, या कितने स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। अभी आगे भी हम इसमें काफी चीजें देखेंगे, तो देखते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, आपको पता ही होगा, इन्होंने फ्लैग बियरर थे ये ओपनिंग सेरेमनी के, ये मतलब जो होस्ट जब ओपनिंग होती है तो फ्लैग लेके जो चलते हैं, तो नीरज चोपड़ा जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं ये थे। और क्लोजिंग की बात करें तो रानी रामपाल, ये वुमेन्स हॉकी टीम की, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की प्लेयर है रानी रामपाल, ये क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग लेके चली थी। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस इवेंट में हमने टोटल कितने मेडल जीते, तो देखिए एथलेटिक्स में 19 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 10 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज थे। शूटिंग में दो गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल, 9 मेडल जीते हैं। फिर कुराश और वुशु, देखिए कुराश और वुशु ये मार्शल आर्ट्स के दो फॉर्म्स हैं, तो कुराश में 2 मेडल जीते जिसमें कि 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था, वुशु में 4 मेडल जीते जो कि चारों ब्रॉन्ज थे। फिर स्क्वैश में 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 5 मेडल जीते हैं। रोइंग में 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज 3 मेडल, रेसलिंग में 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज यानी 3 मेडल, टेनिस में 1 गोल्ड मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल यानी टोटल 3 मेडल हो गए, ब्रिज में 1 गोल्ड मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल कितने हो गए 3। तो ये देखिए इवेंट्स चारों हैं, रेसलिंग, टेनिस, ब्रिज और सेलिंग, सॉरी रेसलिंग, टेनिस और ब्रिज, इन तीनों में हमने एक भी सिल्वर नहीं जीता, गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते हैं, और तीनों में ही तीन तीन हैं, तो ये आपको याद रखने में आसान हो जाएगा। फिर सेलिंग की बात करें तो 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर टेबल टेनिस देखें वहीं पर तो 2 ब्रॉन्ज मेडल। बॉक्सिंग की बात करें तो 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, बैडमिंटन में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, आर्चरी में 2 सिल्वर, इक्वेस्ट्रियन में 2 सिल्वर, हॉकी में 1 सिल्वर, कबड्डी में सॉरी हॉकी में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज यानी टोटल 2 मेडल, कबड्डी में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज 2 मेडल, और सेपक टकरो में 1 ब्रॉन्ज मेडल। और अभी सेपक टकरो के बारे में हम आगे भी जानेंगे कि इस ये बार पहली बार ऐसा रहा कि हमने सेपक टकरो नाम के खेल में जब से जुड़ा 1990 से पहली बार इसमें मेडल जीता है, जो कि कौन सा है, ब्रॉन्ज मेडल है।
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 15 गोल्ड मेडल जो हमारे पास आए हैं, वो हम देखेंगे किस कैटेगरी में और किस प्लेयर ने वो मेडल जीते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। वैसे तो अगर आप पूरे 69 प्लेयर्स को के नाम या 69 इवेंट्स के नाम याद रख सकें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम आपको गोल्ड मेडल्स वालों को तो ध्यान रखना होगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एथलेटिक्स की बात करें तो 7 मेडल एथलेटिक्स में हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें कि मेन्स शॉट पुट में तेजिंदर सिंह तूर, तेजिंदर पाल सिंह तूर, मेन्स जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, मेन्स 800 मीटर में मनजीत सिंह, मेंस ट्रिपल जंप में अरपिंदर सिंह, वुमेन्स हेप्टेथलॉन में स्वपर्णा बर्मन, मेंस 1500 में जिनसन जॉनसन और वुमेन्स 4x400 मीटर रिले में एम आर पूवम्मा, सरिता बेन गायकवाड़, हिमा दास और वी के विस्मया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार फटाफट से देख लीजिए जल्दी से। मेंस शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर, मेंस जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, मेंस 800 मीटर में मनजीत सिंह, मेंस ट्रिपल जंप में अरपिंदर सिंह, वुमेन्स हेप्टाथलॉन में स्वप्ना बर्मन, मेंस 1500 मीटर में जिनसन जॉनसन, वुमेन्स 4x400 मीटर रिले में एम आर पुवम्मा, सरिता बेन गायकवाड़, हिमा दास और वी के विस्मया। फिर बॉक्सिंग की बात करें तो मेंस लाइट फ्लाई 49 kg कैटेगरी में अमित पंगल ने बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। फिर रोइंग में मेंस क्वाड्रपल स्कल्स, मतलब चार लोग थे इसमें, तो कौन कौन थे वो, स्वर्ण सिंह, दत्तू बबन बोकनल, ओम प्रकाश और सुखमी सिंह, इन चारों ने रोइंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर ब्रिज की बात करें मेंस पेयर में तो प्रणब बर्धन और शिवनाथ सरकार, इस जोड़ी ने मेंस पेयर में ब्रिज में गोल्ड मेडल जीता है, प्रणब बर्धन और शिवनाथ सरकार ने। फिर शूटिंग की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी और वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में रानी सरनोबत, इन दोनों ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता इस बार। फिर टेनिस में मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और दिव्य शरण की जोड़ी ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और रेसलिंग में 65 किलोग्राम मेंस कैटेगरी में बजरंग पुनिया, जिन्होंने 19 अगस्त यानी पहले दिन गोल्ड मेडल दिया था, इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिया था। और वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 किलो में विनेश फोगट ने, 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगट ने गोल्ड मेडल जीता है। वही अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो इस बार पहली बार हुई एशियन गेम्स में उसको ध्यान रखना है। तो देखिए, फर्स्ट मेडल है सेपक टेक्रो ब्रॉन्ज, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सेपक टेक्रो में पहला ब्रॉन्ज मेडल हमने इस बार जीता है, पहली बार जीता है 2018 में, 1990 के बाद से जब से ये गेम इंक्लूड हुआ है एशियन गेम्स में। फिर रानी सरनोबत पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, आज तक किसी भी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था शूटिंग में, रानी सरनोबत ने पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता। विनेश फोगट पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड जीता, पहली बार ऐसा हुआ, थोड़ा दुखद है हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी होता रहता है, अगली बार इम्प्रूवमेंट होगा, कि भारत के कबड्डी टीम ने इस बार गोल्ड नहीं जीता। नहीं तो आज तक कभी भी 17 संस्करणों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल ना जीता हो, लेकिन इस बार थोड़ा दुख की बात रही कि गोल्ड मेडल हमारे हाथ से चूक गया। फिर देखिए, स्वप्ना बर्मन पहली इंडियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने वुमेन हेप्टाथलॉन इवेंट में गोल्ड जीता है, वुमेन्स हेप्टाथलॉन इवेंट में पहली बार गोल्ड जीता गया है स्वप्ना बर्मन के द्वारा। नीरज चोपड़ा पहले भाला फेंक खिलाड़ी हैं, पहले जेवलिन थ्रो हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दती चंद ने पहला मेडल जीता 20 साल में 100 मीटर वाली रेस में, जो वुमेन्स की 100 मीटर इवेंट हुआ था उसमें दत्ती चंद ने 20 सालों के अंदर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता है, इंडिया को दिलाया एशियन गेम्स में, मैं आपको बता चुका हूँ 19 अगस्त को सबसे पहले बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जिताया था रेसलिंग में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिया था शूटिंग में, अपूर्वी चंदेला है और उनके साथ एक खिलाड़ी है, उन्होंने मिक्स डबल्स इवेंट में गोल्ड मेडल दिया था 19 अगस्त को, तो सॉरी ब्रॉन्ज मेडल दिया था 19 अगस्त को, वो भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन कौन से सीजन क्या हुए थे, कहाँ हुए थे। तो 17वां संस्करण 2014 में हुआ था इंचियोन साउथ कोरिया में, 19वां संस्करण जो अब होगा 2022 में हैंगझोउ चाइना में, और 20वां संस्करण 2026 में होगा नगोया जापान में, और 17वें संस्करण में मैंने आपको बताया था कि भारत की रैंकिंग 8वीं रही थी, चाइना टॉप पर रहा था, और इस बार 18वें में भी भारत की रैंकिंग 8 पर है, चाइना टॉप पर रहा है। 19वां संस्करण हंगझोउ चाइना 2022 में, याद रखना आप, और 20th
2026 में होगा नगोया जापान में। तो दोस्तों ये था आज आपके लिए वीडियो एशियन गेम्स 2018 पर। इसी साथ हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जिन व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करते रहें। उसके साथ मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप हमारे इंस्टा पेज, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।